नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय और धार्मिक विचारों पर अध्ययन किया था। आज हम दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः वैदिक ऋषि परंपरा के विचारक हैं, अतः उन्होंने वैदिक धर्म के साथ ही वैदिक समाज संगठन के आदर्श पर आधारभूत सिद्धांतों को भी अपनाया। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उनकी मूल्य मान्यता थी कि वेद में निहित धर्म ही सत्य है और इसके विपरीत धार्मिक विचारों व परंपराओं का खंडन किया जाना उचित है, वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में उनका स्वर्णिम प्रेरणा सूत्र था कि वैदिक समाज दर्शन तथा व्यवस्था सर्वोत्तम है और इसकी पुनः स्थापना की जानी चाहिए। वैदिक समाज व्यवस्था की स्थापना में बाधक प्रत्येक सामाजिक कुरीति एवं परम्परा को उन्होंने गंभीर आलोचना की और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने सामाजिक पुनरुत्थान के लिए पौराणिक धर्माचार्यों से डटकर मोर्चा लिया और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में सराहनीय सफलता पाई। दयानंद के समस्त सामाजिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। उनके चिंतन का आधार उनका धार्मिक चिंतन है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र की तरह ही सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन किया जो उनकी दृष्टि से बुद्धि, विवेक एवं तर्क पर आधारित। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकारा कि धार्मिक सुधारों की मदद से सामाजिक सुधार संभव है और सामाजिक सुधारों की मदद से राष्ट्र उत्थान संभव है। वस्तुतः एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी अपनाया। पहला, नैतिक मूल्य वाली आदर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन। स्वामी दयानंद ने ऐसी आदर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने व्यक्ति को संगठित मानव जीवन की एक प्रमुख इकाई स्वीकारा है। उनका मत है कि जब व्यक्तिगत जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है तो स्वतः ही आदर्श समाज की स्थापना होती है। उन्होंने वैदिक परंपरा का अनुकरण करते हुए व्यक्ति के लिए नैतिक मूल्यों को विभिन्न रूपों में प्रकट किया, जैसे शिष्टाचार, यम व नियम, संस्कार आदि। शिष्टाचार का सामान्य अर्थ है शिष्टजनों द्वारा अपनाया जाने वाला आचरण। दयानंद के अनुसार धर्म व ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या को ग्रहण करना तथा सत्य को अपनाना व असत्य को त्यागना शिष्टाचार है। यम का अर्थ है कि जीवन में सत्यनिष्ठा, अहिंसा, असत्य, इंद्रिय संयम तथा अपरिग्रह के नैतिक मूल्य का पालन करना। नियम का अर्थ है सोच, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक पवित्रता, संतोष, तप, पुरुषार्थ, स्वाध्याय, आत्मसमीक्षा तथा ईश्वर निष्ठा संबंधी नैतिक मूल्यों का पालन करना। उन्होंने व्यक्ति में कर्तव्य भावना की वृद्धि के लिए 16 संस्कारों के विधान को स्वीकारा है। उन्होंने संस्कार का अर्थ बताते हुए कहा है कि संस्कार उसको कहते हैं जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होती है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित संबंधी विचार। स्वामी दयानंद ने अपनी आदर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकारा है, किंतु उन्होंने इसे अमर्यादित नहीं किया है। उन्होंने व्यक्तिगत हित पर सार्वजनिक हित की श्रेष्ठता को स्वीकारा है और इस दृष्टि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उचित नियंत्रणों का समर्थन किया है। दयानंद के शब्दों में सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में वे सब स्वतंत्र हैं। वस्तुतः उन्होंने एक ऐसी आदर सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की है जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के उत्थान व उन्नति में सहायक हों। इस बारे में दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में उनकी उन्नति समझी जानी चाहिए। तीसरा, परंपरागत जाति व्यवस्था का विरोध और वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में परंपरा से चली आ रही व्यक्ति जाति समस्या को अवैज्ञानिक, व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अबौद्धिक एवं अवैदिक सिद्ध किया और इसकी आलोचना की। परंपरागत जाति व्यवस्था जन्म के स्थान पर व्यक्ति के कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों तथा उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है, जिसे दयानंद ने न केवल अन्यायपूर्ण माना अपितु उसे भारत के पतन का एक प्रमुख कारण भी बताया। परंपरागत जाति व्यवस्था उच्च जातियों के अयोग्य व दुराचारी पुरुषों को भी निम्न जातियों के योग्य व धर्मशील पुरुषों पर थोपती है और इस प्रकार हिंदू समाज में असंतोष व विघटन की प्रक्रिया को जन्म देती है। स्वामी दयानंद ने परंपरागत जाति व्यवस्था के स्थान पर वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया जो उनकी दृष्टि से वैज्ञानिक एवं बुद्धिसंगत व्यवस्था है और वेद में वर्णित होने के कारण सनातन भी है। मानवों में उनके गुण व कर्म के आधार पर 4 वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
दयानंद के अनुसार इनका नाम वर्ण इसलिए है कि जैसे जिसके गुण में क्रम हो वैसा ही उसको अधिकार देना चाहिए। दयानंद ने वर्ण व्यवस्था से संबंधित यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए बताया कि ईश्वर की सृष्टि में मानव शरीर में जैसे सर्वोत्तम स्थान मुख, उसके पश्चात श्रेष्ठता क्रम में बाहु, कटी तथा पक्का स्थान है, वैसे ही मानव समाज में गुण व क्रम में सर्वोत्तम स्थान ब्राह्मण वर्ण का और उसके पश्चात क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण का स्थान होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दयानंद ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया कि वेद की आज्ञा तथा वैदिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से नहीं अपितु उसके गुण व कर्म से तय होना चाहिए। उन्होंने अतीत के वैदिक समाज से उदाहरण देते हुए बताया कि जबाला, विश्वामित्र, मार्तक जन्म से क्रम से अज्ञाकुत, क्षत्रिय व चांडाल थे, किंतु उनके गुण व कर्म के आधार पर उन्होंने ब्राह्मण वर्ण प्राप्त हुआ। स्वामी दयानंद के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण नामक प्राचीन बौद्धिक ग्रंथ का रचयिता ऋषि ऐतरेय ऐतरादासी से उत्पन्न शूद्र पुत्र था। ऋषि वेदव्यास धीमर स्त्री से, ऋषि पाराशर चांडाल स्त्री से तथा ऋषि वशिष्ठ गणिका स्त्री से उत्पन्न थे। दयानंद का मत है कि विद्या विज्ञान के बाद विद्यार्थियों के उनके गुण व कर्म के अनुसार वर्ण प्रदान किए जाए। स्वामी दयानंद ने वर्ण के अनुसार मनुष्य के बीच गुण कर्म एवं स्वभाव के अंतर को स्वीकारा और इस अंतर के आधार पर समाज व्यवस्था के बारे में निम्न बातें कहीं। गुण व कर्म की दृष्टि से एक वर्ण दूसरे वर्ण से जितना अधिक श्रेष्ठ होता है उसके सामाजिक अधिकार भी उतने ही अधिक होने चाहिए। वर्ण अनुसार दंड की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। शूद वर्ण की तुलना में जिस वर्ण को जितने अधिकार प्राप्त होते हैं उनके द्वारा अपराध किए जाने पर उस वर्ण को शूद वर्ण की तुलना में उतना ही अधिक दंड भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वैदिक ऋषि या वैदिक आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेद की मान्यता या प्राचीन वैदिक समाज की परंपरा के अनुसार मानव समाज के अग्रलिखित चार पुरुषार्थ स्वीकार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अग्रलिखित चार आश्रमों की व्यवस्था स्वीकार्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों का पूर्ण विरोध। स्वामी दयानंद की प्रबल आकांक्षा थी कि भारत एक बार पुनः अपने अतीत के महान गौरव को प्राप्त करे और उसे विश्व में एक शक्तिशाली व श्रेष्ठ राष्ट्र का सम्मान प्राप्त हो। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल तभी की जा सकती है जब भारत में पुनः वैदिक आदर्शों के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था का स्थापना हो। उन्होंने अनुभव किया कि इस पुनीत कार्य में गंभीर बाधाएँ प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ व अंधविश्वासों द्वारा उत्पन्न की जा रही। पहला, दयानंद ने जाति व्यवस्था या अस्पष्टता की प्रथा को वेद एवं बुद्धि विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने शूद्रों के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार का पूर्ण समर्थन किया। दूसरा, दयानंद ने विवाह संबंधी कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह को सभी दृष्टियों से हानिकारक एवं विनाशकारी बताया। उनका मत था कि विवाह के लिए लड़के व लड़की की आयु क्रम से 25 व 16 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु वर्ग में ही वे शारीरिक व मानसिक दृष्टि से इतने परिपक्व होते हैं कि उत्तम व स्वस्थ संतान उत्पत्ति में समर्थ हो सके। उन्होंने बहुविवाह की कुप्रथा का भी विरोध किया, अर्थात एक पत्नी के जीवित रहते पुरुषों द्वारा अनेक विवाह करने का निषेध किया। उन्होंने विवाह के लिए स्त्री व पुरुष की आयु सीमाओं को तय किया और आयु की दृष्टि से बेमेल विवाह की कुप्रथा का विरोध किया। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए इस तथ्य पर बल दिया कि विवाह के योग्य स्त्री पुरुष को पारस्परिक सहमति से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात विवाह के लिए स्वयंवर पद्धति सर्वथा उचित है। नेक्स्ट, दयानंद के सामाजिक अंधविश्वास का विरोध किया कि विदेश गमन शास्त्र विरोधी कार्य है और इससे धर्म की हानि होती है। उन्होंने भारतीय इतिहास के उदाहरण देकर बताया कि प्राचीन भारत में विदेश यात्रा की परंपराएं मौजूद थी। उनका मत था कि विदेश यात्राओं द्वारा व्यापार, अर्थ एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेश की उन्नति की जा सकती है। नेक्स्ट, स्त्रियों के सम्मान व उत्थान का समर्थन। दयानंद ने तत्कालीन हिंदू समाज के इस सामाजिक अंधविश्वास का विरोध किया कि स्त्रियां जन्म से ही पुरुषों से हीन है। उन्होंने हिंदू धर्माचार्यों के स्त्री संबंधी अंधार विचारों का तीव्र खंडन करते हुए यह सिद्ध किया कि वेद एवं विभिन्न धर्मशास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में स्त्री व पुरुष की समानता का समर्थन रखते हैं। दयानंद ने स्त्रियों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को प्रकट किया और उन्हें वेद के पठन पाठन का अधिकार दिया। दयानंद ने बाल विवाह, बेलमेल विवाह, बहुविवाह आदि की कुप्रथाओं का विरोध किया।
जो स्त्री की स्वतंत्रता व कल्याण के मार्ग में गंभीर बाधाएं थीं। उन्होंने वयस्क व विवाह योग्य युवतियों का अपने अनुरूप वर चुनने के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने प्रदा प्रथा को अनुचित बताया। स्वामी दयानंद ने सती प्रथा को क्रूर बताते हुए इसका निषेध किया और विधवाओं के सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने युवा अवस्था की विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था को शास्त्र व सृष्टि के नियमों के अनुरूप बताया। उन्होंने ऐसी निसंतान विधवाओं के लिए शास्त्रपूर्व नियोग की व्यवस्था की स्वीकारा जो पुनर्विवाह के प्रति अनिच्छा रखती हो किंतु संतान की कामना रखती हो। स्वामी दयानंद ने परिवार, समाज व राष्ट्र के उत्थान में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट किया। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि जो राष्ट्र अपनी स्त्री समाज का सम्मान करना नहीं जानता अथवा उनकी स्वतंत्रता व अधिकारों का तिरस्कार कर रहा है वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद के सामाजिक चिंतन के मूल्यांकन के प्रसंग में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी में राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन आदि सामाजिक सुधारकों के चिंतन पर जहाँ पाश्चात्य दर्शन, जीवन दृष्टि व मूल्यों का अधिक प्रभाव था, वहीं स्वामी दयानंद का चिंतन ऐसे किसी भी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त था। यद्यपि सिद्धांत रूप में स्वामी दयानंद ने इस विचार पर भी बल दिया कि भारतीयों को अपनी उन्नति के लिए यूरोपियासियों के भी उत्तम गुणों को अपनाना चाहिए, किंतु वास्तव में उनके समस्त सामाजिक चिंतन का मूल स्रोत भारतीय ही था। दयानंद की यह विशेषता है कि अपनी इस भारतीय पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने सामाजिक सुधारों को सुझाया जो उनके युग की दृष्टि से पूर्णतः क्रांतिकारी थे। वस्तुतः उनके सामाजिक चिंतन की इस स्वदेशी पृष्ठभूमि ने भारतीय शिक्षित वर्ग में सांस्कृतिक श्रेष्ठता व स्वाभिमान का संचार किया। थैंक यू।